उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां रिश्तेदार ही निकला मास्टरमाइंड, ससुराल में साथियों संग मिलकर की थी चोरी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत 10 मार्च को हुई थी चोरी की बड़ी वारदात। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 8.25 लाख नकद और 16 लाख मूल्य के जेवरात भी बरामद। मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत 10 मार्च को स्थानीय व्यवसायी विनोद कुमार गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद के घर पर बदमाशों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें व्यवसायी द्वारा 20 लाख से ज्यादा मूल्य के नकद और जेवरात की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जरिए सीसीटीवी और सर्विलांस जब इस मामले का खुलासा तो सब चौंक गए, क्योंकि इस चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं पीड़ित विनोद गुप्ता की बहन का अपना दामाद प्रशांत गुप्ता निवासी भीलपुर वाराणसी था, जिसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बदमाशों को बरामद माल के साथ गिरफ्तार कर किया खुलासा। देखिए पूरी रिपोर्ट। 11 तारीख को करीब सुबह 4 बजे थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली थी कि कस्बे में ही एक बड़ी चोरी की घटना हो गई है। पूरा वाक्य इस प्रकार है कि 10 तारीख में वहाँ के एक व्यापारी हैं मोहम्मदाबाद के विनोद गुप्ता, उनके घर में एक कोई मांगलिक उत्सव था जिसमें उनके काफी रिश्तेदार आए हुए थे, तो वहीं किसी गार्डन में हो रहा था। वो अपना घर बंद करके करीब 8:15 बजे निकले थे। उनके घर पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था और उनके निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद 4 लोग वहां संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए उनके सीसीटीवी में। वो सीसीटीवी केवल उनका बाहर की ही कवर कर रहा था। जब सुबह घटना स्थल पे सभी अधिकारी पहुंचे थे, हमारी स्वाट और सर्विलेंस टीम भी पहुंची थी और जो मोहम्मदाबाद के सभी व्यापारी वहां एकत्रित थे, तो अंदेशा यह जताया जा रहा था कि इस चोरी में बड़ी चोरी हुई है और उनके घर में क्योंकि व्यवसायी थे तो कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। इसे पूरी घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया। आज इसका सफल अनावरण हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम और थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक की टीम ने किया है। इसमें कुल मिलाकर 7 अपराधी सम्मिलित थे, जिनमें से 3 अपराधियों को पकड़ा गया है तथा चोरी का करीब 8,25,000 रुपये नकद बरामद हुआ है और 200 ग्राम सोने के आभूषण जो लगभग 14 लाख के हैं, 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण जो चोरी गए थे वो भी बरामद हुए हैं। बाकी जो इसमें अभी अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके जो इसमें शेष धनराशि बची है उसकी बरामद भी की जाएगी। पकड़े गए लोग सर किसी गैंग के ताल्लुकात रखते हैं या कोई? यहाँ पूरी घटना में जो वादी है उन्हीं का एक बड़ा क्लोज रिलेटिव जो था वो पकड़ में आया है, उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को साजिश करके कराया गया था और वो घटना से पहले ही आ चुका था और घटना होने के बाद बाकी अपराधी चले गए थे ट्रेन द्वारा वाराणसी, लेकिन वो रुका रहा, वो लगातार पीड़ित परिवार के साथ ये देखता रहा कि कहीं किसी फुटेज में वो तो नहीं आ गया है, लेकिन क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो जाए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देता है और उसी पर जब हमारी स्वैट और सर्विलेंस टीम ने उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने के इस घटना का पर्दाफाश किया है।